हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम विद टूटी फ्रूटी। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से इजीली बन जाती है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है एक कटोरी दूध। ये नॉर्मल दूध है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, इसे मैंने फ्रिज से निकाला है। आप होल क्रीम मिल्क लेंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, जिससे आइसक्रीम ज़्यादा क्रीमी बनेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें डलेगा वो है फ्रेश क्रीम का। ये मैंने जो अमूल वगैरह के टेट्रा पैक्स आते हैं वो यूज़ किया है, बट अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है मिल्क पाउडर, जिसे डेरी वाइटनर भी कहा जाता है। मिल्क पाउडर आपको आसानी से किसी भी लोकल ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें हैं, दूध, फ्रेश क्रीम और मिल्क पाउडर, इसको हमेशा हमें सेम रेशियो में यूज़ करना है। तो अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा बना रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है आम, क्योंकि अभी आम का सीज़न है। मैंने यहाँ पर फ्रेश आम यूज़ किया है। मैं यहाँ पर अल्फांजो मैंगो यूज़ कर रही हूँ। आपकी पसंद का कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं। अगर आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप मैंगो पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा जो आम है वो बारीक भी काट के रखा हुआ है, जिसे मैं आइसक्रीम सेट करते वक्त अलग से मिक्स करूँगी, जिससे कि जब आप आइसक्रीम के स्कूप्स निकालेंगे मैंगो के चंक्स भी आपके मुंह में आएंगे। एक ही आम को मैंने यहाँ पर रफली चॉप भी किया है, जो ब्लेंड होगा मिक्सर में, और जो बारीक काटा है वो लास्ट में सेट करते वक्त जाएगा। अगर आपको चंक्स नहीं चाहिए तो आप पूरा आम मिक्सर में ब्लेंड कर दीजिए। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट यहाँ पर डालने वाली हूँ वो ऑप्शनल है, टूटी फ्रूटी। यूजुअली मैंगो आइसक्रीम में टूटी फ्रूटी नहीं होता है, बट क्योंकि मुझे पसंद है मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो टूटी फ्रूटी भी डालने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर के टूटी फ्रूटी है। आप अगर चाहे तो केसर घोलकर भी डाल सकते हैं। मैंगो में केसर का, इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आप थोड़ा अलग फ्लेवर करना चाहे तो। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्सर में ब्लेंड करेंगे और इसके साथ हमें डालना है शक्कर। शक्कर का जो रेशियो है वो आपको आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। ये जो तीन चीज़ें हैं, मिल्क पाउडर, दूध और फ्रेश क्रीम, ये तीनों का रेशियो तो सेम रहेगा, एक एक कटोरी जैसे हमने यहाँ पे लिया है। और क्योंकि मैं यहाँ पे आम यूज़ कर रही हूँ जो ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा है, इसके लिए मेरे को शक्कर थोड़ी सी कम डालनी पड़ेगी। मैं 3/4 कप डालने वाली हूँ। बट अगर आप जैसे वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं उसमें आपका खाली वनीला का एसेंस डलेगा, तो आपको शक्कर शायद सेम प्रपोर्शन में एक कटोरी या शायद उससे भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर क्रश वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैप्रो का आता है, तो वो क्रश में ऑलरेडी काफ़ी शक्कर और चीनी होती है, तो उस केस में शायद आपको शक्कर बिल्कुल ना डालना पड़े या कम डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो भी फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से शक्कर को एडजस्ट करिए। अब यहाँ पर जो रफली चॉप्ड मैंगो है वो दूध, फ्रेश क्रीम, मिल्क पाउडर और मैं डाल रही हूँ इसमें 3/4 कटोरी शक्कर, इन सभी चीज़ों को मिक्सर में जार में आपको डाल के ब्लेंड करना है। ये जो बारीक कटा हुआ आम और टूटी फ्रूटी है ये लास्ट में डलेगा, जब हमारा आइसक्रीम ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद। ये मैंने डाला है चीनी और इसे करीब 8-10 मिनट ब्लेंड करना है। थोड़ा रुक रुक के करिएगा, एक साथ मत करिएगा। ये जब ब्लेंड हो जाए तब आप इस स्टेज पे एक बार इसकी चीनी जो है वो टेस्ट कर लीजिए, आपको मीठा ठीक लग रहा है कि नहीं। अगर कम लग रहा है तो आप और चीनी डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए और ब्लेंड कर लीजिए, ताकि ये मीठा ठीक हो जाए। अब इसे सेट करने के लिए हमें चाहिए एक फ्रीज़र सेफ कंटेनर जो एयर टाइट हो। ग्लास कंटेनर्स फ्रीज़र में टूटने का चांस रहता है, इसके लिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक का ये कंटेनर यूज़ कर रही हूँ जो फ्रीज़र सेफ भी है और एयर टाइट भी है। इसमें हम आइसक्रीम डालेंगे और इसे सेट करने के लिए रखेंगे। इसे आप या तो ओवरनाइट रख दीजिए या कम से कम
7-8 घंटे रख दीजिए। इसमें अब ये जो टुकड़े थे आम के वो मैंने मिक्स किया है और टूटी फ्रूटी। अगर आपको इलायची या केसर घोल के डालना है तो इस स्टेज पे आप वो भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके फ्रीज़र में रख दीजिए। सेट होने का टाइम जो है वो आपके फ्रीज़र सेटिंग्स पे वेरी करेगा, बट ट्राई करिए कि इसे एटलीस्ट 6 से 8 घंटा अच्छे से सेट करने के लिए रख दीजिए ढक्कन लगाकर। यह आइसक्रीम जो है काफ़ी क्रीमी बनती है और बाज़ार जैसी होती है, और इसका जो ख़ास बात है वो है कि हमें इसे एक ही बार चर्न करना है।